बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर आपका 20 है। तो हम आपका जो सेकंड आपका जो आपका अटेंडिंग करंट में आपका दूसरा आपका टॉपिक है, वो टॉपिक है बच्चों एसी वोल्टेज विद ओनली इंडक्टर। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि बच्चों आपका एसी वोल्टेज सप्लाई को हम कैसे एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो हमने ये बोला था कि आपका रजिस्टर में करंट और वोल्टेज आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब बच्चों हमने पढ़ा था कि करंट जहाँ पीक, वोल्टेज जहाँ पीक बनेगा तो करंट भी आपका पीक बनेगा, जहाँ आपका वोल्टेज जीरो बनेगा करंट भी आपका जीरो बनेगा, जहाँ आपका रिवर्स डायरेक्शन में आपका वोल्टेज जो है, जहाँ आप रिवर्स डायरेक्शन में पीक बनता है तो आपका करंट भी आपका पीक बनता है। तो रिवर्स डायरेक्शन में आपका जो वोल्टेज जीरो बनता है तो आपका करंट भी जीरो बनेगा। तो इंडक्टर सॉरी रजिस्टर के केस में आपका ना करंट आगे जाएगा ना आपका वोल्टेज आगे जाएगा, तो वोल्टेज और करंट जो है दोनों एक साथ आगे जाएंगे, दोनों एक साथ मतलब आगे जाएगा, फॉरवर्ड प्रोपोगेट होगा। तो ये वाला पढ़ा था बच्चों, जो हमने प्रेस वाले जो आपका जो टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कैसे जो है आपका वोल्टेज और करंट जो है कैसे आगे बढ़ते हैं इन केस ऑफ रेजिस्टर। तो उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं था, तो उसका इक्वेशन मैं यहाँ पर फिर लिख रहा हूँ। वी इक्वल टू क्या था बच्चों, वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इसके बाद जो करंट का इक्वेशन बनता था बच्चों, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये दोनों इक्वेशन बनता था। तो इन दोनों इक्वेशन को देख के हमने ये बोला था कि आपका वोल्टेज के इक्वेशन में आपका ओमेगा टी है, करंट की इक्वेशन में आपका ओमेगा टी है, तो आप इन दोनों के केस में आपका कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। तो आपका वोल्टेज में आपका फेज डिफरेंस क्या हुआ बच्चों, फेज डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। फेज डिफरेंस में वोल्टेज का क्या है आपका ओमेगा टी। इसके बाद डिफरेंस फेज डिफरेंस में क्या होगा, करंट का क्या होगा ओमेगा टी। तो ओमेगा टी कैंसिल हुआ तो वहाँ पर कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है वोल्टेज और करंट इन केस ऑफ द प्योर रेजिस्टेंस हमेशा प्रोपगेट होगा, आगे बढ़ेंगे, वो हमेशा एक साथ आगे बढ़ेंगे, कभी करंट पीछे नहीं रहेंगे, कभी आपका वोल्टेज पीछे नहीं रहेगा। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि आपके इंडक्टर में कैसे होते हैं, एक प्योर इंडक्टर लाएंगे, इंडक्टर को हम एसी वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे क्या हम देखेंगे कि क्या वोल्टेज और करंट भी आ रही सेम फेज, क्या उन दोनों में फेज डिफरेंस होता है। अगर फेज डिफरेंस होता है तो आपका करंट आगे बढ़ता है या वोल्टेज आगे बढ़ता है, या वोल्टेज पहले जाता है आपका या करंट आपका पहले जाता है, तो हम डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम मैं ड्रा कर दूँ। वहाँ पे एक इंडक्टर, यहाँ पे एक इंडक्टर होगा एल। इसके बाद इसको हमने क्या किया, एक एसी पावर सप्लाई से मैंने कनेक्ट किया। तो यूँ ही आपके एसी पावर सप्लाई से आपको कनेक्ट किया, यहाँ से आपका क्या होगा करंट दौड़ेंगे। यूँ ही करंट आपके इंडक्टर में होगा, इंडक्टर में क्या होगा आपका हमने पढ़ा था इस पर आपका लेंस लॉ के हिसाब से यहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। वो इंड्यूस ईएमएफ हमेशा क्या करेंगे, इस अप्लाइड वोल्टेज को हमेशा अपोज करेंगे। तो अप्लाइड वोल्टेज क्या है, अप्लाइड वोल्टेज इज वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये आपका अप्लाइड वोल्टेज है जो आपके ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में है। एक ऑसिलेटिंग ईएमएफ यहाँ से आपका प्रोड्यूस होगा, उस ऑसिलेटिंग ईएमएफ की वजह से इस सर्किट में आपका करंट दौड़ेगा। करंट दौड़ने की वजह से क्या होगा, इस इंडक्टर में क्या होगा, एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। इस पर लेंज लॉ के हिसाब से वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेंगे, हमेशा इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को, इस सप्लाई वोल्टेज को हमेशा अपोज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा आपका जो सेल्फ इंडक्शन में हमने पढ़ा था, जो आपका ई इज इक्वल टू आपका सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। तो क्या होगा बच्चों, ई इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये बोल एल को क्या बोला जाता था बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस, डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ आफ्टर करंट। तो यहाँ क्या बनता था आपका इंड्यूस ईएमएफ, नेगेटिव का मतलब क्या है आपका, इस कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, इस कॉइल के अंदर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, वो हमेशा क्या होगा इसका अपोज करेंगे, किसको, इस अप्लाइड ईएमएफ को। तो अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेंगे तो आप ईएमएफ अप्लाई क्या करेंगे, तो हम इसमें थोड़ा ट्रिक खेलेंगे बच्चों। तो यहाँ पे जो आपका इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, या यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे पैदा होगा, वो हमेशा क्या करेंगे इसको अपोज करेंगे, इसको आप अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेंगे। तो अप्लाइड उसका हम रिवर्स दे देंगे, तो रिवर्स में क्या होगा, अप्लाइड ईएमएफ क्या होगा इसका जस्ट अपोज होगा। आप इंड्यूस ईएमएफ इसका अपोज करेंगे तो अप्लाइड ईएमएफ हमेशा इसका अपोज होगा। तो हमने बोला था यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ जितना प्रोड्यूस होगा जितना आपका अप्लाइड ईएमएफ होगा, जितना अप्लाइड ईएमएफ ज्यादा होगा उतना आपका इंड्यूस ईएमएफ भी ज्यादा होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेंगे, हमेशा अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेंगे। तो इसका रिवर्स लेंगे तो क्या होगा, अप्लाइड ईएमएफ हमेशा इंड्यूस ईएमएफ को हमेशा अपोज करेंगे। तो क्या होगा, अप्लाइड ईएमएफ क्या करेंगे बच्चों, तो अप्लाइड ईएमएफ क्या करेंगे, तो यहाँ पे अप्लाइड ईएमएफ हमेशा क्या होगा,
इंड्यूस ईएमएफ को अपोज करेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेंगे, माइनस एल डी आर अपॉन डी टी। आगे बच्चों अपोजिशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे माइनस लिखा बच्चों। तो अप्लाइड ईएमएफ आपका इंड्यूस ईएमएफ को आपका अपोज करेंगे, इसका रिवर्स होगा जस्ट नेगेटिव लिया हमने। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ई अप्लाइड तो ई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस डी आई अपॉन डी। ये बच्चा बन गया बच्चों अप्लाइड ईएमएफ इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, डी आई यहाँ पे क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ई अपॉन एल इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी। तो क्या हुआ बच्चों, आपका ईएमएफ अपॉन इंडक्टेंस डी आई अपॉन डी टी। तो यहाँ पे डी आई हम ऐसे ही रखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, डी टी हम यहाँ पे क्या रखेंगे, डी टी डी आई। अच्छा तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ई अपॉन एल डी टी इज इक्वल टू डी आई। यही हुआ बच्चों आपका ई अपॉन एल डी टी इज इक्वल टू डी आई, या पहले आपके डी आई इक्वल टू ई अपॉन एल इंटू डी टी। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, आपका अभी हमने कहा यहाँ पे जो आपका ईएमएफ होगा वो ईएमएफ हमेशा अल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो करंट होगा वो करंट भी हमेशा क्या होगा, एक अल्टरनेटिंग करंट होगा। तो यहाँ पे हम आज ऐसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे ई के बदले यहाँ पे ई ई इक्वल टू ई नॉट लिखेंगे, ये ठीक रहेगा बच्चों। तो आपका जो आपका अप्लाइड ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, डी आई इक्वल टू ई का हम यहाँ से वैल्यू ले लेंगे, ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू क्या है, ई नॉट अपॉन ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन क्या हुआ एल होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, डी आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसको इंटरग्रेट करेंगे बोथ साइड। इंटरग्रेशन करने से क्या होगा बच्चों, इसके बाद हम करेंगे बच्चों इंटीग्रेट बोथ साइड, बोथ साइड को हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन से क्या हुआ, इंटीग्रेट बोथ साइड, इसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, साइड दोनों को हम क्या करेंगे बच्चों, आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन से क्या होगा बच्चों, इसको इंटीग्रेशन करेंगे डी आई, डी आई इक्वल टू इसके बाद इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डी नॉट अपॉन एल साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी। ये हुआ बच्चों आपका इक्वेशन। इसके बाद क्या है, ई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ, इसके बाद एल इंडक्टर, ये दोनों हमेशा क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट होगा, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आई ई नॉट अपॉन एल इसके बाद इंटीग्रेशन साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी। इसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन। तो साइन ओमेगा टी का साइन साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस कॉस ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका अल्टरनेटिंग जो करंट होगा इस सर्किट के अंदर, जो ई नॉट अपॉन एल, तो कॉस साइन ओमेगा टी क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। यह होता है बच्चों आपका इक्वेशन। तो हमने क्या किया बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेशन करने से क्या हुआ, तो साइन पे क्या आता है, माइनस यहाँ पे ले लिया कॉस ओमेगा टी अपॉन क्या हुआ ओमेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, करंट इक्वल टू माइनस को हम बाहर ले लेंगे, ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, यहाँ पे क्या हुआ कॉस ओमेगा टी। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, आई इक्वल टू करंट का इक्वेशन क्या बन गया बच्चों, माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो आपका वोल्टेज का इक्वेशन क्या है बच्चों, हमें पता है इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो वोल्टेज का इक्वेशन तो ऑलरेडी हमें पता है, जो अल्टरनेटिंग जो आपकी ई एम एफ यहाँ से आपका सोर्स आपका यहाँ से आपका प्रोड्यूस करेंगे वो हमेशा क्या होगा, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे इस सर्किट के अंदर जो आपका करंट का इक्वेशन क्या बनेगी, क्या करंट और वोल्टेज आपका सेम फेज में होगा या सेम फेज में नहीं होगा, या फेज डिफरेंस होगा तो कितना फेज डिफरेंस होगा, ये हम पता करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस कॉस, तो यहाँ पे आपका एक हम ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला यहाँ पे दे देंगे बच्चों, माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा। तो कॉस ओमेगा टी का यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ
पाई बाई टू माइनस थीटा, ये आपका इक्वेशन लिखा बच्चों। कॉस थीटा क्या चीज़ होते हैं, कॉस थीटा ऑलवेज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे पुट करने से क्या होगा बच्चों, कॉस ओमेगा टी का क्या आएंगे, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, ये बन गया बच्चों। क्योंकि कॉस ओमेगा टी को हमने ट्रिगोनोमेट्री आपका क्या किया, फॉर्मूले में चेंज किया, तो कॉस ओमेगा टी का क्या आएगा, साइन ऑफ तो पाई बाई टू माइनस थीटा माइनस ओमेगा टी। इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद यहाँ पे हम फिर इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आते हैं, तो आई का इक्वेशन क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे मैं आई लिखूंगा, आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा। इसके बाद माइनस को मैं यहाँ लेता हूँ बच्चों, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा, ये बन गया बच्चों आपका इक्वेशन। तो यहाँ से एक इक्वेशन हम लिखेंगे बच्चों, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। तो आपका एक फॉर्मूला, आपको ये चीज याद रखना है, माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि आपका साइन कॉस आपका इन इम्पॉर्ट फंक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों कि आपका यहाँ पे माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस हमेशा अंदर जाएंगे एंगल के साथ, तो माइनस से हमेशा एंगल मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे इक्वेशन को यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, माइनस ई नॉट एल ओमेगा, तो माइनस क्या होगा, साइन ऑफ थीटा, तो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा। तो माइनस इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये बन गया आपका बच्चों आपका लास्ट आपका इक्वेशन। इसके बाद आपका क्या होता है, आई जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट क्या होगा, इस सर्किट के अंदर आपका जो करंट आपका फ्लो होगा वो करंट हमेशा क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा। उस करंट का इक्वेशन एंड लास्ट में हमें क्या बनता है, आई टी नॉट अपॉन एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ पे क्या होगा, आई इज मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट क्या होगा, जब आपका साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इक्वल टू वन होगा। तो यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ऑफ ओमेगा टी, शाबाश बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, करंट का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, तो आई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट को आई नॉट बोला जाता है। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट क्या होगा, व्हेन, व्हेन क्या होगा बच्चों, ये वाला फंक्शन जो है साइन फंक्शन जो है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इक्वल टू क्या होगा, वन होगा। तो यहाँ पे वन पुट करने से क्या होगा बच्चों, तो आई जो आपका पीक वैल्यू ऑफ द करंट को क्या होगा, आई नॉट इक्वल टू साइन ई नॉट अपॉन एल ओमेगा इन टू क्या होगा, वन। तो I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन L ओमेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट क्या है बच्चों, E नॉट अपॉन L ओमेगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो आपका यहाँ पे पुट करने से क्या होगा, I इक्वल टू E नॉट अपॉन L ओमेगा वैल्यू, बल्ले क्या लिखेंगे, I नॉट, तो यहाँ पे क्या लिखा, I नॉट साइन ऑफ, इसके बाद ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये आपका एट लास्ट में करंट का इक्वेशन बन गया बच्चों, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो वोल्टेज का इक्वेशन क्या था बच्चों, ई इज इक्वल टू या वोल्टेज क्वेश्चन, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा। तो ये इक्वेशन ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया बच्चों, ये आपका इक्वेशन आपका सेकंड बन गया। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, क्या वोल्टेज एंड करंट दे आर इन सेम फेज, देखो बच्चों यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे क्या है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, तो इन दोनों में आपका फेज डिफरेंस का आ रहा है। तो वोल्टेज एंड करंट दे आर नॉट इन सेम फेज, वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस आ रहा है, वो हमेशा क्या होता है पाई बाई टू का हमेशा फेज डिफरेंस आ रहा है। तो पाई बाई टू पे क्या होता है हमेशा आपका टाइम पीरियड हमेशा टी बाई फोर होता है। इसका मतलब है यहाँ पे मैं लिख दूँ कि इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज एंड करंट दे आर नॉट इन सेम फेज, तो यहाँ पे मैं थोड़ा लिख दूँ बच्चों, इन केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर की केस में क्या होता है कि वोल्टेज और करंट जो है दे आर नॉट इन सेम फेज, तो इसमें क्या होगा आपका पहले वोल्टेज आज पहले जाएंगे, इसके बाद आपका करंट जो है पीछे से आएंगे। तो इन दोनों के बीच का आपका फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होगा।
इसका मतलब है जब आपका वोल्टेज पीक बनेगा आपका करंट जीरो होगा बच्चों, इस तरह से होगा। जब आपका वोल्टेज जो है, मान लो आपका अगर वही डायग्राम बनाएंगे तो आपका वोल्टेज जो है, आपका वोल्टेज जब आपका जीरो होगा, जब आपका मान लो ग्राफ तो दोनों का ऐसे ही बनेंगे, मान लो ये आपका वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज जब जीरो होगा तो करंट जो है आपका क्या होगा, फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू एंगल से आपका 90 डिग्री एंगल से वो हमेशा करंट जो है आपका पीछे होगा। तो इसका मतलब है आपका जो वोल्टेज जीरो होगा तो आपका करंट जो है आपका नेगेटिव डायरेक्शन में आपका क्या होगा, पाई बाई टू पे होगा। पाई बाई टू मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में, बीच में करंट और वोल्टेज के बीच में हमेशा फेज एंगल का होगा डिफरेंस होगा, वो हमेशा 90 का फेज डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लिख देंगे कि इन केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर की केस में क्या होता है बच्चों, इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज एंड करंट देर आर नॉट इन सेम फेज, हमेशा दोनों एक साथ नहीं जाएंगे। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि इंडक्टर में आपका वोल्टेज और करंट जो है आपका एक साथ नहीं जाएंगे, तो इन दोनों के बीच में हमेशा एक फेज डिफरेंस होगा। कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा वो हम बता देंगे। तो वोल्टेज और करंट जो है एक साथ कभी आगे नहीं जाएंगे, इन दोनों के बीच में हमेशा एक फेज डिफरेंस होगा, हमेशा एक T/4 की टाइम पीरियड का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज एंड करंट आर नॉट इन सेम फेज, दोनों एक ही फेज में नहीं है। तो वोल्टेज हमेशा क्या होगा, ओमेगा टी, और आपका करंट जो है वो करंट का फेज क्या है आपका, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन से आप पता कर सकते हैं कौन पहले जा रहा है। तो आपका आंसर ये होगा वोल्टेज पहले जाएगा, करंट हमेशा पाई बाई टू से हमेशा पीछे होगा। तो इसका मतलब है वोल्टेज आपका क्या होगा, लीड करेंगे, करंट हमेशा लैगिंग बिहाइंड करेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज लीड करंट बाय फेज ऑफ पाई। ये चीज याद रखना है बच्चों। इससे पहले हमने आपका रेजिस्टेंस में पढ़ा था, रेजिस्टेंस में हमने ये पढ़ा था कि करंट और वोल्टेज दे आर इन सेम फेज, हमेशा वोल्टेज और करंट हमेशा एक साथ बढ़ता था। इसमें वोल्टेज और करंट इंडक्टर में वोल्टेज और करंट एक साथ नहीं चलेंगे, हमेशा आपका वोल्टेज पहले जाएगा, इसके बाद पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होने के बाद आपका वोल्टेज जो है आपका पहले जाएगा, इसके बाद आपका करंट जो है 90 डिग्री के बाद आपका करंट जो है आपका जाएंगे। इसका मतलब है वोल्टेज पहले जाएगा, करंट उसके बाद जाएंगे विद ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू। तो इसका मतलब है वोल्टेज लीड करेंगे, इसका मतलब है करंट जो है लेग करेंगे, लेगिंग बिहाइंड वोल्टेज बाय पाई बाई टू। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, वोल्टेज लीड करंट बाय फेज ऑफ पाई बाई टू। तो आपका इंडक्टर के इसमें हमेशा आपका वोल्टेज जो है पाई बाई टू से आगे जाएंगे, तो आपका इसका मतलब है आपका करंट जो है वोल्टेज से पीछे रहेगा हमेशा पाई बाई टू से। तो इसका मतलब है हमेशा इंडक्टर के केस में वोल्टेज और करंट हमेशा एक साथ नहीं जाएंगे। जहां आपका वोल्टेज पीक बनेंगे करंट आपका जीरो बनेगा, जहां आपका करंट जो है आपका सॉरी जहां वोल्टेज आपका पीक बनेंगे करंट आपका जीरो होगा, जहां वोल्टेज जीरो बनेंगे आपका करंट आपका पीक होगा। इन दोनों के केस में हमेशा पाई बाई टू का डिफरेंस होगा। अगर टाइम की बात करें हमेशा टी बाई फोर का डिफरेंस होगा, तो इसमें आपका टाइम डिफरेंस हमेशा टी बाई फोर के बाद होगा। मान लो पहले करंट जो है आपका वोल्टेज जो है पीक बना, इसके बाद टी बाई फोर के बाद आपका करंट पीक बनेगा। जब आपका वोल्टेज आपका जीरो बना तो आपका करंट जो है टी बाई फोर टाइम के बाद आपका करंट जो है आपका जीरो बनेगा। इस तरह से आपका करंट और वोल्टेज जो है आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक चीज आपको यही याद रखना है, तो हम फेजर डायग्राम भी हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद वही डायग्राम भी यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा। तो यहाँ पे हमें पता है बाई ओम्स लॉ हमें क्या करते हैं, करंट हमेशा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे क्या है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस में क्या होता है एल ओमेगा। तो इस एल ओमेगा को क्या बोला जाता है, इस यहाँ पे रियलिटी में यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बदले क्या एल ओमेगा, इस एल ओमेगा को बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या चीज होती है, असल में वो रेजिस्टेंस होते हैं। इन केस ऑफ इंडक्टर जो आपका प्योर रेजिस्टेंस हमेशा आर होता था, इंडक्टर में आपका आर नहीं आएंगे, रेजिस्टेंस के बदले हमेशा एल ओमेगा आएगा।
एल फॉर इंडक्टेंस, ओमेगा फॉर फ्रीक्वेंसी। तो क्या हुआ, एल ओमेगा को क्या बोला जाएगा बच्चों, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एल ओमेगा को क्या बोला बच्चों, इंडक्टिव रिएक्टेंस। बेसिकली क्या चीज होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इज ए रेजिस्टेंस इन केस ऑफ इंडक्टर। तो जैसे कि एक कंडक्टर में आपका रेजिस्टेंस अपोजिशन द करंट करता है, तो इंडक्टर के केस में आपका एल ओमेगा हमेशा अपोज करंट करता है। इस एल ओमेगा को हमेशा एक्स एल से लिखा जाता है बच्चों, आप लोग आपको याद रखना होगा। वाई इज एल ओमेगा, एल ओमेगा इज द एक्स एल। इस एक्स एल को क्या बोला जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस बेसिकली क्या चीज होती है, बेसिकली इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस आपका जो अपोजिशन ऑफ द करंट करेगा इन केस ऑफ इंडक्टर। तो एक्स एल का आपका क्या होगा, एल ओमेगा। एक्स एल किसके बारे में होता है, एल ओमेगा। तो ये क्या होता है असल में, अपोजिशन ऑफ करंट, जो करंट को हमेशा क्या करता है बच्चों, आपका अपोज करता है। तो एक चीज ये याद रखना होगा बच्चों, जहां पे ओमेगा कम होगा, ओमेगा आपका जीरो होगा तो आपका एक्स एल भी जीरो होगा, तो आपका ओमेगा अगर ज्यादा होगा एक्स एल भी आपका ज्यादा होगा। तो बच्चों तो एल ओमेगा को क्या बोला जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, हमेशा एक रेजिस्टेंस होता है जो हमेशा इंडक्टर में, जो हमेशा करंट को हमेशा अपोज करता है। तो इंडक्टर रिएक्टेंस एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी जो आपको आज इंडक्टर में पढ़ा, इस केस ऑफ इस टॉपिक में पढ़ा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का एस आई यूनिट क्या होगा, तो एस आई यूनिट आपका ओम होगा, जैसे कि आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, जो रेजिस्टेंस हमेशा अपोज द करंट करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी हमेशा अपोज द करंट करता है, इसका एस आई यूनिट क्या होगा बच्चों, एस आई यूनिट तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखो एल ओमेगा, जैसे कि हम डीसी में लिखेंगे, डीसी एंड एसी में आपके पास एक डीसी पावर सप्लाई होगा, दूसरा एक एसी पावर सप्लाई होगा। तो आपको यह देखना होगा कि आपका एसी पावर सप्लाई में आपका अपोजिशन ज्यादा होता है या आपका डीसी पावर सप्लाई में आपका अपोजिशन ज्यादा होता है। तो आपके डीसी में क्या होता है, ओमेगा हमेशा आपका जीरो होता है। डीसी में क्या होता है, आपका डायरेक्ट करंट होता है, उसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होता। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका करंट आपका जीरो करने से क्या हुआ, तो आई ओमेगा इज इक्वल टू E नॉट अपॉन ओमेगा को क्या किया मैंने, जीरो किया। जीरो क्यों किया, क्योंकि एक डीसी करंट में आपका कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होता। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो आई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो हुआ। आई नॉट इज इक्वल टू वन बाई टू इन्फिनिटी, इसका मतलब है आप इनफाइनाइट करंट जो है, इसका मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है आपके डीसी करंट को ब्लॉक नहीं करे। इसका मतलब है कि इंडक्टर जो है डीसी पावर सप्लाई को ब्लॉक नहीं करता। इसका मतलब है इट अलाउ डीसी, इट अलाउ डीसी, डीसी करंट को अलाउ करता है। इसका मतलब है उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। देखो बच्चों आपका ओमेगा जीरो करने से क्या होगा, एक्स एल भी जीरो होगा। एक्स एल क्या चीज है, आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो, इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो मीन्स उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं, आपका करंट जो है आपका ज्यादा आपका फ्लो होगा। इसका यह मतलब होगा कि आपका इंडक्टर जो है आपका डीसी पावर सप्लाई को आपका अलाउ करेगा। क्या एसी सप्लाई को आपका अलाउ करता है कि नहीं, आप ये देखेंगे कि आपका क्या होगा बच्चों, ओमेगा क्या है, क्योंकि आपका ओमेगा जो है आपका फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्योंकि आपका एसी जो आपका अल्टरनेटिंग करंट, उसमें हमेशा एक फ्रीक्वेंसी होता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, ज्यादा होने से क्या होगा, डिनोमेटर ज्यादा होगा, तो करंट क्या होगा, हमेशा कम होगा। तो क्या होगा, इसमें आपका करंट जो है आपका डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्या होगा, इसका मतलब है, इसका मतलब है एसी को हमेशा क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो यहां से एक चीज आपको ये याद रखना होगा कि आपका इंडक्टर जो है आपका डीसी पावर सप्लाई को हमेशा अलाउ करेगा। अलाउ इसीलिए करेगा, वहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी नहीं होगा वहां पे आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका जीरो बनता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका जीरो बनता है तो वहां पे आई नॉट आपका पीक वैल्यू वन, मान लो करंट आपका ज्यादा होगा, इसका मतलब वहां पे कोई अपोजिशन ऑफ द करंट नहीं होगा। किस केस में, आपका डीसी पावर सप्लाई में। इसका मतलब है इंडक्टर जो है आपका, आपका एक इंडक्टर होगा, अगर इंडक्टर को आप डीसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे, वो हमेशा करंट को हमेशा फ्लो करने देगा, वहां पे कोई अपोजिशन नहीं होगा। इसका मतलब है आपका इंडक्टेंस इज बेस्ट फॉर डीसी पावर सप्लाई। इसके बाद क्या एसी पावर सप्लाई को क्या बेस्ट करते हैं इंडक्टर, तो हमने पढ़ा
कि आपका एसी पावर सप्लाई में हमेशा एक फ्रीक्वेंसी होती है और एसी पावर सप्लाई हमेशा फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होते हैं। अगर आपका ये डिनोमिनेटर ओमेगा जो है आपका मैक्सिमम होगा तो आपका करंट जो है आपका मिनिमम होगा। करंट मिनिमम होगा मीन्स इसका मतलब है करंट को हमेशा अपोज करेगा। इसका मतलब है आपके इंडक्टर डीसी पावर सप्लाई को अलाउ करेंगे, इसका मतलब है एसी पावर सप्लाई को हमेशा अपोज करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम इसका वही डायग्राम, इसके बाद फेजर डायग्राम हम आपको नेक्स्ट वाले आपका टॉपिक में हमको लिखने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज आपको मैं फिर रिपीट कर दूं कि इंडक्टर में करंट और वोल्टेज दे आर नॉट सेम फेज, इन दोनों में आपका एक फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस हमेशा पाई बाय टू का हमेशा फेज डिफरेंस होता है। इसमें कौन पहले जाएगा, वोल्टेज हमेशा पहले जाएगा, करंट हमेशा पाई बाय टू के बाद जाएंगे। फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू के बाद या टी बाय फोर के बाद हमेशा करंट उसके पीछे पीछे जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो कल जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इसमें हम फिर इसका वही डायग्राम वो फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक वस्सलाम अलैकुम। Thank you.